नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय। हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण की कहानी। कृष्ण के अवतार में मनुष्य के जीवन के सभी रंग थे। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी ऐसी थी जो किसी को भी हरा सकती थी। भगवान कृष्ण अक्सर अर्जुन को उदाहरणों के माध्यम से जीवन का सार समझाते थे। एक कहानी आपको मैं बताती हूँ। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के पश्चात हस्तिनापुर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक बहुत ही दयनीय अवस्था में एक ब्राह्मण गरीब दिखाई दिया। उसने अर्जुन से भिक्षा देने को कहा। अर्जुन को उस ब्राह्मण की अवस्था पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली दे दी। उस थैली को पाकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया और उसने सुखों को अपने बारे में सोचते हुए तेजी से घर की ओर जाने लगा। परंतु दुर्भाग्यवश मार्ग में एक लुटेरा ब्राह्मण के सामने आ गया और उसने डरा धमका कर ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली छीन ली। ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और उसे फिर से लोगों से भिक्षा मांगने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन जब वो भिक्षा मांग रहा था, तो अर्जुन की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी और अर्जुन ने आश्चर्य में उस ब्राह्मण से पूछा कि मैंने तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन दिया था, परंतु फिर भी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। ब्राह्मण ने अर्जुन को बताया कि किस तरह से एक लुटेरा उसके मार्ग में आ गया और उसने उसे लूट लिया, जिस पर अर्जुन ने फिर से उस ब्राह्मण पर दया दिखाते हुए उसे एक बहुत ही मूल्यवान हीरा दे दिया। ब्राह्मण ने अर्जुन का धन्यवाद करते हुए वो हीरा लिया और एक सुरक्षित मार्ग से अपने घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने इस बार चोर के भय से उस हीरे को एक पुराने घड़े में छिपा दिया। उस घड़े का प्रयोग उनके द्वारा बहुत दिनों से नहीं किया जा रहा था। थकान के कारण ब्राह्मण की आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। लेकिन ये उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य ही था कि उसकी स्त्री जब पानी भरने नदी में गई तो उसका घड़ा मार्ग में ही टूट गया, जिस कारण उसने पानी भरने के लिए वो घड़ा लिया जिसमें ब्राह्मण ने वो मूल्यवान हीरा छुपा कर रखा था। जब ब्राह्मण की पत्नी नदी से पानी भर रही थी, तो वो हीरा पानी में डूब नदी के साथ बह गया। ब्राह्मण ने जब उस घड़े को जल से भरा हुआ देखा, तो वो समझ गया कि क्या हुआ होगा और फिर वो अपने भाग्य को कोसते हुए भीख मांगने के लिए निकल गया। जब उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण और अर्जुन ने पुनः भीख मांगते देखा, तो उन्होंने उनसे उसका कारण जानना चाहा। ब्राह्मण ने जब पूरा वृत्तांत सुनाया, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि इस ब्राह्मण के भाग्य में तो सुख ही नहीं लिखा है, फिर कोई इसके समक्ष अगर दुनिया का समस्त धन लाके ही क्यों न रख दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देख मुस्कुराए और अपनी लीला से उस ब्राह्मण को 2 पैसे का दान दिया। अर्जुन आश्चर्य से कृष्ण से बोले, जब मेरे द्वारा दिए गए स्वर्ण की मुद्राएं और मूल्यवान हीरे से भी ये व्यक्ति अपने दुर्भाग्य के कारण दरिद्र ही रहा, तो आपकी ये 2 पैसे इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराए और बगैर कुछ कहे अर्जुन को उसके पीछे जाने का इशारा किया। ब्राह्मण दुखी मन से ये सोच रहा था कि आखिर श्री कृष्ण ने उसे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया, क्योंकि इन रुपयों से वो अपने खुद के लिए एक समय का भी भोजन प्राप्त नहीं कर सकता था। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई दिया जिसके जाल में एक मछली अब भी जिंदा थी और तड़प रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास जो पैसे हैं उससे मेरा तो कुछ भला नहीं हो सकता, क्यों ना इस मछली की ही जान बचा ली जाए। उस ब्राह्मण ने 2 पैसे में वो मछली खरीद ली और उसे अपने कमंडल में डाल दिया। उसके बाद वो उसे पास की नदी में ले जाकर बहाने के लिए गया। तभी उसने देखा कि उस मछली के मुंह से एक चमकीला पदार्थ निकला। वो वही हीरा था जो उसे अर्जुन से प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण खुशी में चिल्लाने लग गया, मिल गया मिल गया। ब्राह्मण के भाग्य से वो लुटेरा जिसने ब्राह्मण को लूटा था उसी नदी के किनारे होता हुआ निकल रहा था। जब उसने ब्राह्मण को मिल गया चिल्लाते हुए सुना, तो उसे लगा ब्राह्मण को पता चल गया है कि उसी ने ब्राह्मण को लूटा था। ब्राह्मण राज दरबार में उसकी शिकायत न कर दे, इस डर से उस लुटेरे ने
ब्राह्मण को उसका धन लौटाते हुए उसके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। इस सब को देख अर्जुन भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ते हुए बोले, भगवान ये आपकी कैसी लीला है? मेरे द्वारा ब्राह्मण को दिए गए मूल्यवान हीरा और स्वर्ण मुद्राओं के कारण भी ब्राह्मण पहले की ही भांति अपने दरिद्र अवस्था में बना रहा, लेकिन आपके द्वारा दिए हुए वो दो पैसों में उसका भाग्य ही बदल डाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन ये चमत्कार तो सिर्फ सोच के अंतर के कारण हुआ है। जब उस ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान हीरा प्राप्त किया तो वो सिर्फ अपने सुखों के बारे में ही सोच रहा था, परंतु जब उसके मात्र दो पैसे थे तो उसने अपना दुख भुलाते हुए दूसरों के सुख के बारे में सोचा। अतः जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसके साथ सदैव मैं होता हूँ और उसका भला स्वतः ही हो जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।